बेसिकली और मैं स्टूडियो में बैठे थे प्लान टू डू अ सॉन्ग, तो फर्स्ट थिंग केम दैट यू नो कुछ पार्टी नंबर करते हैं कुछ यू नो जो मैं हमेशा करते आ रहे हैं, बट ऑल ऑफ सडन आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक रज रज रखे हुए, मैंने मैम को सुनाया, मैंने बोला प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आप उसे प्लीज़ ट्राई कीजिए, यू नो आई वॉन्ट यू टू ट्राई सिंगिंग दिस सॉन्ग, एंड शी सैंग इट सो ब्यूटिफुली कि गाना वहीं लॉक हो गया, हमने बोला यही गाना करेंगे, एंड यू नो जो लोगों का एक इमेज था कि ममता जी सिर्फ एक आइटम नंबर गा सकते हैं, तो इस गाने से लोगों को ये पता चलेगा कि ये कितने वर्सेटाइल सिंगर हैं, ये शी कैन सिंग इन सो मेनी लैंग्वेजेस ऑल्सो, एंड पंजाबी इज अगेन वन लैंग्वेज विच इज कम आउट वेरी ब्यूटीफुल, एंड जैसे ही हमने ये गाना पुल आउट किया एंड वी डिसाइडेड कि ये गाना अधूरा लग रहा है बोहेमिया बाजी के बिना, तो यू नो वी बोथ डिसाइडेड दैट वी शुड कॉल बोहेमिया बाजी, सो हमने बोहेमिया बाजी को कॉल किया, गाना भेजा, एंड जैसे ही उन्होंने गाना सुना ही वॉज सो एक्साइटेड ही वॉज सो हैप्पी ऑन द स्पॉट, उसी रात को उन्होंने मतलब गाना लिख के हमें वापस भेज दिया इंस्टेंटली, एंड ही सेड वी आर ऑन लेट्स डू दिस सॉन्ग, सो दिस इज हाउ द एंटायर सॉन्ग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉन्ग के ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही हुआ एंड सो ब्यूटिफुली जो फील से इन्होंने गाना गाया और जो पंजाबी टोन आया, हम जैसे पंजाबी PTC अवार्ड पे परफॉर्म करने गए थे लाइव, वहाँ पे लोगों ने इतना पसंद किया गाना कि ऐसे अब लग रहा है कि ममता शर्मा जी अब पंजाबन बन गई हैं, शी इज गोना गेट शी इज ऑलरेडी गॉट सो मेनी ऑफर्स टू सिंग पंजाबी सॉन्ग्स, असी अभी तो थोड़ा थोड़ा निकी निकी पंजाबी सीख दिया From singing good peppy songs and slightly a romantic pura transition hai, but obviously singers are versatile, yeah. And you have a beautiful voice. So, aapka kya take raha pure journey? मैंने जैसे कि राम जी ने बताया कि हम लोग जब मिले थे तो actually एक dance number के लिए मिले थे, but when he made me hear this song, it was so beautiful, such a beautiful track. मैंने instant वहीं पे गाया हमने तभी वो अपना गाना छोड़ के ये गाना पहले गाया. जैसे ही डब हुआ वो जैसे उसका आउटकम आया तो वी वर सो एक्साइटेड, आई माई सेल्फ गॉट सो शॉक कि मतलब इतना डिफरेंट मेरा टोन लग सकता है, आई वॉज लाइक रियली उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रैक भी बनाया और लिरिक्स आर सो गुड, पावा ने आई थिंक लिरिक्स लिखे बहुत ही प्यारे लिरिक्स लिखे, तो दिस इज़ हाउ इट ऑल एंडेड अप, एंड जैसे ही डिसाइड हुआ कि अभी क्या करेंगे तो कुछ तो मिसिंग है, तो फिर बोहेमिया बाजी का जिक्र निकला और उन्होंने भी बहुत पसंद किया ट्रैक को, एंड ही गॉट कोलैबोरेटेड विद अस। बोहेमिया बाजी के अपने सपने गाने सुने होंगे, दिस इज द वेरी डिफरेंट जॉनर जो उन्होंने ट्राई किया है, सैड रोमांटिक पंजाबी पहली बार बोहेमिया बाजी ने भी किया है, एंड इट इज कम आउट सो गुड एज अ कोलैबोरेशन बिटवीन ममता जी एंड सीरियसली मेरा तो फर्स्ट कोलैब है उनके साथ, सो आई वाज लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम, एंड उनके लिरिक्स वाकई में मतलब दिल को छू जाने वाले लिरिक्स हैं, मतलब रैपिंग में मैं पहली बार ऐसा लिरिक्स सुनी, सो आई वाज लाइक इट वाज समथिंग न्यू, सो कहीं ना कहीं यू नो एक सिंगर के लिए हमेशा रहता है यू नो एक टाइम कास्ट हो जाता है जब आप गाने करते हैं, तो आपको एज अ सिंगर कहीं यू नो डीप इन योर हार्ट था कि यू नो आई वुड वांट टू सिंग अ सॉन्ग नंबर विद राम जी? ऑफ कोर्स सच बोलूँ तो डेफिनेटली, एंड आई थिंक हर सिंगर चाहता है कि वो अपनी प्रतिभा को दिखा पाए और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाए, सो इवन आई वॉन्टेड टू सिंग समथिंग मेलो, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई डू, बट इसका मतलब ये नहीं कि आई डोंट लाइक माई डांस नंबर्स, आई रियली इंजॉय दैट थॉरली, शी इज वेरी वेरी वर्सेटाइल, एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट नो ममता जी सिंग्स इन सो मेनी अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, एंड शी इज गॉट सो मेनी हिट्स इन द साउथ साइड एंड नाउ द पंजाब सेक्शन इज ऑल्सो ओपन, so I just love this part also ki people are getting to know my versatility in singing, so this is something really different for me, something new. So ye nayi journey kitni you know how is the whole trip going, hota hai ek nayi journey pe aapne fantastic I said ki ek to gaane ko itna acha response mil raha hai, the collab is so good, Ramji's music is fantastic, and he himself is such a nice person. So I'm like loving this journey all together, because Bohemia Paji was also so cooperative, so nice, and he is also promoting the way he can. And humne PTC mein bhi isko perform kiya tha, which was immense. Uska response aaya hai. So I guess log bhi usko utna hi like kar rahe jitna hum logon ne like kiya tha instant jab suna tha gaana. So it was meant to be like this way, I think. Yeah.
Yes, yes. And we are already touching, I think, around 4 million plus views in just less than 4 days, you know. Yes. So that's like an achievement, and we have released it on our own label with Ashraf Ji, One Music Originals. Originals. So, koi badi company ka isme backup nahi hai. Ye bahut hi mehnat se inhe banaya hai aur unhone produce kiya hai ye pura gana Ashraf Ji. So, I think a lot of efforts, and on a new label, we have got an immense response. Yes. Very good response. See, in today's time, after music, I think this is the best era for singles, for our artists. क्योंकि अब आप देख रहे हो कि पिछले एक दो साल से जो भी हिट गाने आ रहे हैं बॉलीवुड में वो भी किसी ना किसी आर्टिस्ट के सिंगल्स ही रहे हैं या तो गाने रीमेक आ रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एरा फॉर सिंगल्स. एक आर्टिस्ट को अपनी they don't require an platform. If your music is good, if the song is good, it reaches, you know, music flows. People so, like it. Yes. तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम बैक टू बैक सिंगल्स करें और यू नो टू रीच द राइट ऑडियंस एट द राइट प्लेटफॉर्म्स. और आवर ट्रायल इज वेरी सक्सेसफुल. लोग पसंद कर रहे हैं गानों को एंड रजरज से तो वी गॉट अ वेरी 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 गुड रिस्पॉन्स. ममता जी, व्हाट डू यू से? बहुत ही अच्छा, जैसा कि राम जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है फॉर आर्टिस्ट्स आल्सो, बिकॉज सोलो आर्टिस्ट को भी बॉलीवुड में भी बहुत इजीली एंट्री मिल रहा है बिकॉज उनके सोलो ट्रैक्स इतना अच्छा हिट कर रहे हैं डिजिटली ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उनको अपनी एक पहचान मिल रही है और प्लस सबसे बड़ी बात, वो जो करना चाहते हैं अपने ट्रैक के साथ, दे आर प्रेजेंटिंग इट दैट वे. इसमें किसी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं है किसी का भी. इवन हमारी जो कंपनी है वन म्यूजिक ऑडिशनल्स, उसके किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं दिया, बल्कि हर तरीके की आज़ादी दी हमें कि हम कैसे ट्रैक बनाना चाहते हैं, रैपिंग कितना रखना चाहते हैं, शूट कैसा करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं. आई थिंक एवरीथिंग वॉज लाइक फ्री. तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रतिभा होती है वो 100% निकल के बाहर आती है एंड पीपल गेट टू नो कि ओके यू आर डूइंग दिस थिंग एंड इट्स वॉट इट इज़. इट्स नॉट चेंजिंग थ्रू यू नो, जब आप कंपनी को अप्रोच करते हो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं. तो आई थिंक जो बनाना चाहते हैं कभी कभी आर्टिस्ट एग्जैक्टली वैसा नहीं जा पाता, बट ओवर हियर इट्स द प्योर थिंग व्हाट वाज मेड इन द स्टूडियो इट्स देयर आउट. आपसे ऑब्वियसली बिना गाना सुने एक ता दिल दा हाल बुरा एक तनहाई जानी नहीं इंज ना लंघदी रात सुबह तेरे नाल प्रीत जे पाली नहीं यार यार वे सुन के तार वे नींदा अपनिया खोइयां रज रज अखियां रोइयां जगदियां तेरियां होइयां रज रज अखियां रोइया जग दिया तेरी हाँ खोइया. आपसे एक सवाल जो मैं अभी पूरा एक्सपीरियंस वीडियो शूट करने का, बिकॉज वी हैव सीन यू ऑन अ न्यू अवतार. यू नो आई वांट टू मेंशन दैट यू नो यू लुकिंग अमेजिंगली ब्यूटीफुल यू वर ऑलवेज, बट यू नो देयर इज अ कंप्लीट मेकओवर आल्सो दैट वी सी. यस यस. सो इज इट द न्यू साइड ऑफ यू, यू नो हाउ डज दिस ऑल, यू कैन से दिस? यस, इट्स ऑल टुगेदर न्यू मी. इट वाज हिडन इनसाइड, बट द एक्टिंग पार्ट इज वेरी टफ. आई ऑलवेज हैव सेड दैट बिफोर आल्सो, इट्स रियली रियली टफ. वी एक्टेड सो वेल, बट वो पता है वो वाले शॉट से कि जब खाना नहीं दे रहे हैं, जब नींद से उठा के लाए नहीं राम जी नहीं कमिंग, ये वो सारे शॉट्स हैं. दीस आर नॉट बट शी एक्चुअली सैक्रिफाइसेस अ लॉट. आई हैव सीन बीइंग ऑन द शूट, यू नो शी इज रियली टेकन ऑल द केयर ऑफ what to eat, what not to eat, so much but of sacrifice, which I can never do in really my life. That's the reason I always say that acting is really, really tough. Singing is much, much better than that. But are you enjoying this phase now? I am, yes, 100%. Ramji, where have you shot the video? This video, actually, I was not being part of the shoot, so I will be able to give my San Francisco, we have shot this. Okay. It's directed by Jay Hin. It's a team of Bohemia. So they have done this, yes. So why, I mean, was it a plan? This is a romantic, so good locations. Yes, actually that was the main concept, that we needed a good grand location with a beautiful vibe, and you can see in the video it has come up so well. It's shot really well. It's nice and beautiful. I really enjoy that, and even people are enjoying the place now. Thank you so much. Our producer is also here. I think we should call him. Come in.